हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमम क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है और आसान भी है, तो इसे ध्यान से समझिए। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मीलर इंडिसेस हम पहले प्लेन के लिए निकालेंगे, फिर डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। मीलर इंडिसेस क्या होता है? जब हम प्लेन और डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन होती है उसको हम बोलते हैं मीलर इंडिसेस। मीलर इंडिसेस का यूज़ किया जाता है अगर क्रिस्टल के अंदर कोई डिसलोकेशन है किसी पॉइंट पे, उसे रिप्रेजेंट करना है, या क्रिस्टल की हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। सरफेस टेंशन है, एब्जॉर्प्शन एंड रिएक्टिविटी है, इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हम मीलर इंडिसेस इसका यूज करते हैं। अब देखो इसे समझते हैं। यहां पे हमने एक क्यूब ली है, ठीक है, और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। एक्स एक्सिस के जो क्रिस्टल एक्सिस होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से, वाई का क्रिस्टल एक्सिस होगा बी वेक्टर, और जेड के लिए यूज़ करेंगे सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो मीलर इंडिसेस होती है, एक्स के लिए यूज़ की जाती है एच, वाई के लिए यूज़ करते हैं हम के, और जेड के लिए यूज़ किया जाता है एल। एच के एल जो है वो मीलर इंडिसेस होती हैं फॉर अ सिंगल प्लेन, और यहाँ पे हम पैरेलल सेट्स का यूज़ करते हैं। अब देखो हम किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट हम कंडीशन ले रहे हैं 1 0 0। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो एक्स के अलोंग जो वैल्यू है वो क्या होगी 1, वाई के अलोंग क्या होगी 0, एंड जेड के अलोंग क्या होगी 0। अब हमें पता है ये ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या होंगी 0। एक्स की वैल्यू 1 हम ये पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हैं, वाई की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आ जाएगी, जेड की वैल्यू 0 इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल एक सेट ड्रॉ करना है, क्योंकि क्रिस्टल एक्सिस के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल सेट्स होते हैं प्लेन के ऊपर। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। 101 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो अगर कंडीशन हमें अलग दे दी है, 100 ना देके हमें दे दिया 010, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम वाई वाला प्लेन चेक करेंगे क्योंकि एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया एक्स वाई एंड जेड। एक्स का 0 इस पॉइंट पे, वाई का 1 तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, जेड का 0 इस पॉइंट पे, तो इसका जो पैरेलल होगा वो ये वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। इसके पैरेलल ये सेट चलेगा यहाँ पे, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 0 0 1, मतलब जेड के अलोंग है, तो वहाँ पे हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो एक्स वाई एंड जेड, जेड के अलोंग है तो ये वाला प्लेन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 100 है तो एक्स वाला प्लेन लेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये वाई वाले के लिए होगा, और लास्ट में 1 है तो ये किसके लिए आ जाएगा, जेड प्लेन के लिए। ये जो इंडिसेस हैं वो हमारी चलेंगी प्लस प्लेन के लिए, ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग ये प्लस है, अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इधर आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो 100 को हम ऐसे ना लिखे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 बार 0। 1 बार रिप्रेजेंट करता है आपकी जो वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए आ जाएगा एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर हम इसके अलोंग देख रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा 0 1 बार 0, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अगर ये नहीं लगाते हो तो आपका मार्क्स कटेगा और इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम इसको लिख रहे हैं तो 0 0 1 ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारा किसके लिए आ गया, नेगेटिव प्लेन के लिए आ गया। ये ए के लिए है, ये हम जब बी की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, और ये किसके लिए, सी की वैल्यू के लिए। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, बीच में हमें कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा लगाते हो तो पूरे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, अगर हमें 110 दिया हुआ है इसके लिए बनाना है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारी एक्स के अलोंग होगी, ये वाई के अलोंग, और ये जेड के अलोंग। हमने क्यूब बनाई यहाँ पे, ठीक है,
ये आ गया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x के अलोंग 1 है ये वैल्यू आ जाएगी, y के अलोंग 1 है ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये लाइन आ गई, इसके जो पैरेलल सेट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल सेट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इसके पैरेलल ही आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर हम 1 1 1 वैल्यू लेके चलते हैं तो 1 1 में देखो किस तरीके से बनाओगे आप इसको, x y एंड z, इसको हम 1 मान रहे हैं। x के अलोंग 1 हो गया, y के अलोंग 1 यहाँ पे आ जाएगा और z के अलोंग यहाँ आ जाएगा। तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, 1 1 के लिए मिलर इंडिसेस। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, ड्रॉ क्रिस्टलोग्राफी प्लेन्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स जो हैं क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको ड्रॉ करने हैं और ऐसे ही आपको वैल्यू दे देंगे, जैसे 101 ये दे दिया और इसके लिए आपको ये बोला है क्रिस्टलोग्राफी प्लेन बनाओ। तो आप क्या करोगे, क्यूब बना लो पहले, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, वाई एंड ये जेड। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि x आपने यहाँ लिया तो यहीं पे ही चलेगा। अब x की वैल्यू क्या है, 1, तो हम इसको 1 लेंगे। y की वैल्यू क्या है, 0, तो इस पॉइंट पे आ जाएगी। z की वैल्यू क्या है, 1, तो इस पॉइंट पे आ गया। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब इसके पैरेलल अगर आप सेट देखते हो तो इसके पैरेलल सेट क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 101 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर मान लो 110 दे दिया है तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये क्यू बना ली, x y एंड z। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ फॉर्म होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इसके पैरेलल ये सेट बनेगा तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हम क्रिस्टलोग्राफी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें आता है डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती हैं इंडिसेस की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दिए 3 4 0 1 बाय 4 एंड सेकेंड वैल्यू दी है 1 बाय 4 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2 और ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इसके डायरेक्शन इंडिसेस निकालने क्या होंगे। तो डायरेक्शन इंडिसेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को। तो देखो 1 बाय 4 माइनस 3 बाय 4, एलसीएम क्या होगा इसका, 4 1 माइनस 3, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास -2/4। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा, -1/2। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बन गया है। सेकेंड हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है तो यहाँ पे 1/2 -0, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे हम क्या लेंगे, 1/2 -1/4, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/4, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, -1/2 1/2 एंड 1/4, ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। अब हमें इनका क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो 1/2 के लिए यहाँ पे बन जाएगा 2 और इसके लिए यहाँ पे बनेगा 2, माइनस में है तो हम बार यूज़ करेंगे और इसके लिए बन जाएगा 1, ब्रैकेट लगा देंगे। ये डायरेक्शन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।